स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। अशोक जी, आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और तो इसलिए मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा। आज माता सावित्री बाई फूले का जन्मदिन है, और किसी भी महान पुरुष का जन्मदिन होता है तो मैं अधिकतर देखता हूँ पेपर होर्डिंग बैनर्स उस पर महीनों पहले लग जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। लेकिन सावित्री फूले बाई का जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने प्रथम शिक्षक महिला हुई हैं, और उन्होंने इस देश को महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए उनकी बहुत बड़ी योगदान रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उनका जन्मदिन क्यों नहीं सेलिब्रेट करते नेता अभिनेता, जबकि बहुजन समाज के भी बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं अंदर, तो उसका उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो इस देश में मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी विचार के जो लोग हैं सत्ता में, उन्हीं का कब्जा है जी। वो तमाम ऊंची जाति के लोग वही कैबिनेट में हैं, वही मंत्री संतरी हैं, और जो एक आध लोग हैं भी वहाँ पर कैबिनेट वगैरह में, या वो मजबूरी में लिए उन्होंने, वो बाबा साहब की वजह से जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया जी। और दूसरी बात ये कि 131 हमारे लोग, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, 24% लोग जो हाँ 131 पूरी सीटें हैं, सांसद हमारे बैठे हैं, 131 भी अगर अपने फंड से भी अखबारों में डाल करके अगर एक एक ऐड दे दें, या वो प्रचार कर दें, या कम से कम लोकसभा चल रही थी उसमें उनको श्रद्धांजलि दे देते, मुबारकबाद देश को दे देते, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है। लेकिन मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ कि वो 131 हमारे नहीं हैं, वो अनुसूचित जाति से तो हैं, मगर अभी इन पार्टियों को समझते हैं, इन पार्टियों की कृपा से वो यहाँ पहुँचे हैं, सांसद बने हैं, तो वो हमारे नहीं हैं, उन पार्टियों के विरुद्ध जा नहीं सकते। दूसरी बात यह कि जो सावित्री बाई फूले जी इस राष्ट्र माता हैं, वो हमारी राष्ट्र एक्चुअल राष्ट्र माता, क्योंकि वो पहली महिला हैं कि जो इस देश में शिक्षिका बनी, स्कूल खुलवाया महात्मा फूले जी ने, उन्होंने संघर्ष करके, महान संघर्ष जो उनके साथ भेदभाव हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को, अनपढ़ पत्नी को उन्होंने पढ़ाया, फूले साहब ने उनको पढ़ाने के बाद उनको शिक्षा, एक स्कूल खोला, और जो हमारी लड़कियां थी वहाँ पे दलित लड़कियां, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल, वो आज भी स्कूल है, उसको उन्होंने शुरू करवाया। और जब वो हमारी वो राष्ट्रमाता जाती थी जब इलाकों में, तो ब्राह्मण उनके ऊपर, महिलाएं ब्राह्मण महिलाएं और ब्राह्मण ये उनके ऊपर गोबर फेंक देते थे, उनके ऊपर कालक फेंक देते थे, तो वो दो ड्रेस लेकर के जाती थी। इतनी कुर्बानी उन्होंने की है, इतना अपमान सा है, और ये जो पोंगा पंडित हैं ये उनसे आके वाद विवाद करते थे, उनको धमकाते थे कि तुम इस परमात्मा के बनाए हुए कानून के विरुद्ध जा रहे हो, महिलाओं को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, और तुम तो महिलाओं के साथ साथ तुम तो अछूत भी हो। तो इस तरीके से उनको डराते थे, धमकाते थे, करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके, पति पत्नी ने हिम्मत करके, और आज जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला है ये सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले, उनकी ज्योतिबा फूले की कृपा से ये मिला है, और उस परंपरा को आगे बढ़ाया बाबा साहब ने, और उसके बाद आगे बढ़ाया माननीय काशीराम जी ने, और वो अभी आज आलम ये है कि पूरे गली गली इलाके इलाकों में बहुजन मूवमेंट चल रहे हैं, और सैकड़ों की तादाद में हमारे नौजवान और हमारे नेता तैयार हैं, संगठन तैयार हैं, जो काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, अपने अपनी समझ से काम कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा। और यही बाबा साहब चाहते थे कि इतने सारे इनको संगठन बनाने का मौका दो, कि हर आदमी अपने गली कूचे में एक एक संगठन हो, कि वो कम से कम दो आदमी तीन आदमी को वो तैयार करे, और एक फौज पूरी तैयार हो जो इनके इनके विरुद्ध, संघर्ष के विरुद्ध तैयार हो। तो ये एक महान बात है, महान पहल है और महान दिन है कि इन्होंने ये देखिए, जब तक हमारा बहुजन विकल्प आ करके बहुजन सत्ता में कोई व्यक्ति ना आए, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है जैसे राष्ट्रपति बन गए, मगर जब तक कैबिनेट आपकी नहीं बनेगी, जब तक, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो कैबिनेट है, और कैबिनेट जब तक आपकी नहीं बनेगी, एक आदमी आप किसी एक को मुख्यमंत्री बना दो, एक को राष्ट्रपति बना दो या प्रधानमंत्री बना दो, वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकता, ना वो ले पाएगा। जिस तरह से कल एक बात आया था कि जब वो मंडल कमीशन लागू किया उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने, तो उसमें जो और दूसरे लोग थे वो दूसरी जातियों के, उन्होंने कैबिनेट में उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, फिर भी उनकी सरकार गई, और जो उनको समर्थन दे रहे थे बीजेपी वगैरह के, इन्होंने उसको समर्थन को विड्रॉ कर लिया, सरकार गिरा दी। तो जब तक फुल फ्लैश हमारी सरकार नहीं होगी, हमारे बहुजन का ताकत में नहीं होंगे वहां पर, तो हम तब तक किसी भी हालत में इस व्यवस्था को बदलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। छोटे छोटे सुधारों से कुछ होने वाला नहीं है, अब हमें मिल करके इस देश में एक बहुजन विकल्प देना है। और मैं सलूट करूंगा ज्योतिबा फूले को, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं जिन्होंने कि इस मूवमेंट को चलाया, अपने साथ जो शोषण हुआ और उन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी के
तैयार करें, जो अनपढ़ पत्नी थी। आज भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग, वो भी मनुवादियों से कम नहीं है, अपनी महिलाओं को अत्याचार करते हैं और उनको आने नहीं देते, कभी अपने साथ किसी मीटिंगों में नहीं ले जाते, खुद चले जाएंगे लेकिन कभी अपनी पत्नी को नहीं लेके जाएंगे। वो उनके लिए चूल्हा चौका करेगी, वो आएंगे हमारे चौधरी साहब वहाँ से मीटिंग से हारे थके तो उनको खाना पका के उनको बढ़िया कपड़े धो के इस्त्री करके रखेगी, लेकिन उसको कभी आगे नहीं लाएंगे। तो लेकिन ज्योतिबा फूले ने उस वक्त 1800 के 1900वीं शताब्दी में, उस वक्त जब संघर्ष चल रहा है दो तरफा, एक तरफ अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा है, एक तरफ इन मनुवादियों से संघर्ष चल रहा है, उस समय लड़ रहे हैं ज्योतिबा फूले, और उन्होंने गुलामगिरी नामक एक महान पुस्तक का भी लिखा उन्होंने। वो पुस्तक को पढ़ के पता चलता है कि उस समय क्या मूवमेंट थी, क्या उन्होंने रास्ता दिया। तो वो जब ज्योतिबा फूले लड़ रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले हथियार बनाया, अपनी पत्नी को तैयार किया अपनी बराबर का हथियार बना के, और उनको स्कूल खोल के दिया। उन्होंने कहा आदमियों के लिए, जो अछूतों के लिए संघर्ष मैं कर रहा हूं, और आप महिलाओं को तैयार करो, अपनी बेटियों को तैयार करो, उनको पढ़ने के लिए उन्होंने दिया। तो मैं उन दोनों को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको मैं सलूट करता हूं, और आज याद करता हूं, और पूरे देश को कहता हूं, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो हिम्मत करके आगे आए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपनी महिलाओं को आगे निकालें, उनको पढ़ाएं, उनको शक्तिशाली करें, समाज के बीच में लेकर के आएं। और इस समय जरूरत है, हम महिला पुरुष दोनों मिलकर के इन मनुवादियों का मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो ये आसान काम नहीं है इनसे लड़ना। ये 15% जरूर हैं, मगर ये बहुत ही छल कपट और मक्कार हैं। ये पूरी मक्कारी के साथ दिमाग, ये भाई भाई को लड़ा करके, आपस में लड़ा करके पूरा मूवमेंट को खराब कर देते हैं। तो हमें अपनी महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा। आज शपथ लेनी होगी, आज के दिन, आज हमारी राष्ट्रमाता का जन्मदिन है, आज हमें शपथ लेनी होगी सब हमारे जितने भी बहुजन हैं, कि हम आज से अपनी बेटियों को, बहनों को, अपनी पत्नियों को, हम अपनी स्त्रियों को जो भी घर में होंगी, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, उनको नौकरियों पे भेजेंगे, उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से ताकतवर करेंगे, शैक्षणिक रूप से। ये हमारी आज शपथ है। धन्यवाद सर। आप थे अशोक अज्ञानी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि बहुजन समाज के वो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी पूरा जीवन समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लिए, उनका इतिहास के पन्नों से नाम तक हटा दिया गया है, और उन इतिहास के पन्नों को जीवित रखने के लिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और बहुजन मूवमेंट को तैयार करके बहुजन समाज को योगदान करना पड़ेगा, और ख़ास तौर से उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत जोर शोर से रहेगी। हमारी जन से बात करने से बहुत